हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 28 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजी के, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अवार्डेड द आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022। निम्नलिखित में से किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो राज्य है जिसे ये अवार्ड मिला है, वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो 2022 का आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। और क्यों मिला है? क्योंकि इसने 28,700 नए हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ऐड किए हैं राज्य में, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं उसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, जिसने करीब 24,000 हेल्थ केयर सुविधाओं को अपने राज्य में जोड़ा। वहीं उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। वहीं इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश है, वो सेकेंड बेस्ट स्टेट है इन द कंट्री इन क्रिएटिंग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यूपी में लगभग 2 करोड़ लोगों ने अब तक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022। वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 के तहत किस राज्य को भारत का पहला और दुनिया का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय मिलेगा? तो भारत का पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी मिलेगा ऑप्शन डी तेलंगाना को। ऑप्शन डी तेलंगाना। इसके लिए तेलंगाना की दोनों सदनों में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री का बिल था, उसे अप्रूव कर दिया है। और इसके साथ ही जो तेलंगाना में फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा एज यूनिवर्सिटी, जिससे कि भारत को अपना पहला और दुनिया को तीसरा फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी मिलेगा। वहीं विश्व की बात करें तो रशिया और चाइना के पास अपना फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी पहले से उनके पास मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री साइंड एन MOU फॉर जिज्ञासा प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किसके साथ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने जिज्ञासा कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने MOU साइन किया है CSIR के साथ। ऑप्शन ए CSIR। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। और ये MOU 3 वर्षों के लिए साइन किया गया है, जिसके तहत ये दोनों मिलके CSIR का जिज्ञासा प्रोग्राम पे एक साथ काम करेंगे। वहीं जो जिज्ञासा है, वो एक इंडिया का आउटरीच प्रोग्राम है, जिसे डिजाइन किया गया है टू प्रमोट केमिकल साइंसेज इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। यानी इसमें जो टीचर्स और स्टूडेंट है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा इन केमिकल साइंस या केमिस्ट्री थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। Which country tested the newest generation of anti-ship missiles, namely Gabriel 5? किस देश ने Gabriel 5 नामक जहाज रोधी मिसाइलों की नवीनतम पीढ़ी का परीक्षण किया? तो वो देश जिसने ये इस मिसाइल को टेस्ट किया, वो है ऑप्शन ए इसराइल। ऑप्शन ए इसराइल। जो इसराइल की नेवी है, उसने इस एंटीशिप मिसाइल Gabriel 5 का परीक्षण किया। और ये Gabriel 5 जो है, ये 5th जनरेशन ऑफ एंटीशिप मिसाइल है, जिसे डेवलप किया है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और साथ में डिफेंस मिनिस्ट्रीज डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने। और ये जो मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसे ब्लू स्फीयर भी कहते हैं। हु होस्टेड द G4 मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में विदेश मंत्रियों की G4 बैठक की मेजबानी किसने की? तो इसे होस्ट किया था ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस G4 मीटिंग को होस्ट किया। वहीं इस मीटिंग को चेयर किया था साउथ अफ्रीका के एक्सटर्नल मिनिस्टर, जिसे वहां पे मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड कोऑपरेशन कहा जाता है, वो है डॉक्टर नालेदी पेंडर। डॉक्टर नालेदी पेंडर। तो इस G4 मीट में 4 देशों के, यानी कि ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, इन चारों देशों के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे,
उनके बीच ये मीटिंग रखा गया था, और ये जो मीटिंग हुआ था ये 75th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइन में हुआ, जहां पे चारों देशों ने अपनी बात रखी कि कैसे यूएनएससी में यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। Who has been appointed as the director of All India Institute of Medical Science, Delhi in September 2022? सितंबर 2022 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर एम श्रीनिवास। तो डॉक्टर श्रीनिवास जी जो कि इससे पहले डीन थे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद के, उन्हें अब केंद्र सरकार ने अपॉइंट कर दिया है एम्स के डायरेक्टर के रूप में। वहीं ये रिप्लेस करेंगे रणदीप गुलेरिया को, जो कि इस पद पे मार्च 2017 से कार्यरत थे। वहीं बात करें एम्स दिल्ली की, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1956 को, और फर्स्ट डायरेक्टर थे एम्स दिल्ली के, वो थे डॉक्टर बीबी दीक्षित, डॉक्टर बीबी दीक्षित। नेम द एयरपोर्ट दैट हैज वॉन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। उस हवाई अड्डे का नाम बताएं जिसने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार 2022 जीता। तो जीता ऑप्शन ए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो केरल में है, और इसे दिया गया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 इन 5 टू 15 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में, और इसे ये अवार्ड दिया गया था फॉर मिशन सेफ गार्डिंग प्रोग्राम, जिसे लागू किया गया था पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के खत्म होने के बाद। हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी दिलीप तिर्की, ऑप्शन सी दिलीप तिर्की। फॉर्मर इंडियन कैप्टन और ओलंपियन दिलीप तिर्की जी को चुना गया है, वो भी अनअपोज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। वहीं ये हॉकी इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो प्रेसिडेंट बना हो। वहीं इसके साथ हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल बने हैं भोलानाथ जी, भोलानाथ। Which stadium will host the 2023 edition and 2025th edition of ICC World Test Championship Finals? कौन सा स्टेडियम ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 2023 संस्करण और 2025 संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा इंग्लैंड का ओवल और लॉर्ड्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ICC ने डिसाइड किया है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा 2023 का एडिशन का वो ओवल में होगा, और वहीं 2025 का एडिशन का फाइनल जो होगा वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। वहीं जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। वहीं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंट्रीज लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस विल स्टार्ट बिटवीन विच सिटी टू बोगीवील, यानी कि देश का सबसे लंबा क्रूज सर्विस कहां से बोगीवील तक चालू किया जाएगा? तो वो वाराणसी से बोगीवील तक चलेगा। हमार बेटी हमार मान कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ जिसके सीएम है भूपेश बघेल, और वही गवर्नर है छत्तीसगढ़ की वो है अनुसुईया उके। वही तीसरा क्वेश्चन India's first full arm transplant was performed in which state? तो पहला full arm transplant किया गया केरल राज्य में, केरल। Which state prison department has launched prison staff attendance app mobile application? तो prison staff attendance के लिए किस राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो राज्य है नागालैंड, नागालैंड। फिर है which company is to set up its first solar power plant in India in राजस्थान, तो कौन सा कंपनी अपना पहला सोलर पावर प्लांट राजस्थान में इंस्टॉल किया है? तो वो किया है अमेज़न ने, अमेज़न। व्हेन वाज द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एस्टैब्लिश्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और वही हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपरेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर ले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।